अस्सलाम वालेकुम, हेलो ब्यूटीफुल व्यूअर्स, दिस इज मी वर्दा कलंदी एंड यू आर वाचिंग दी कलंदी। हैप्पी बर्थडे टू यू, कर दुआ। रमजान मुबारक भाई। ये व्लॉग है फर्स्ट रोजे का, यानी चांद रात से फर्स्ट। आई नो फिर से 11-12 दिन लेट हूँ, लेकिन कोई नहीं, गुजारा कर ले। यहाँ पे थी डॉक्टर दुआ की बर्थडे। यस यू हियर इट राइट, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ का जो एडमिशन हो गया है, उसके ड्रीम जो था डॉक्टरी, उसमें बहरहाल यहाँ पर हम फर्स्ट सहरी की तैयारी कर रहे हैं बड़े जोश व खरोश के साथ। हमने पहले पहले रोजे को, पहले पहले रमज़ान के दिन को वेलकम किया पराठे बना के, चाय बना के। मम्मा यहाँ पर पराठे बेल रही थी, मैं पराठे फ्राई कर रही थी। अब तक तो खैर जो हालत है ना ही पूछे, लेकिन ये स्टार्ट था। और यहाँ से बरकतें, रहमतें, रौनक रमज़ान की शुरू हो गई, और साथ साथ गैस की लोड शेडिंग भी। और इस दिन हम बहुत थके हुए थे, क्योंकि वो सारा तो चलेगा बैकअप पे। आप देखिएगा, हम ग्रॉसरी वगैरह सब एंड टाइम पे करके आए थे। यहाँ हम ऑलमोस्ट सहरी करने बैठ गए थे, पराठे फ्राई हो गए थे, फीनी और खजला और जो ये सब चीज़ें होती हैं उन सब के साथ भरपूर रात की दाल, और फिर एंड में दवाइयों के पिटारे के साथ हमने अपनी सहरी को कम्प्लीट किया। और ये रमजान साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारी न्यू चीजें भी लाने वाला है, तो आपने व्लॉग्स डेली देखने हैं अगर हम अपलोड करें तो। 2000 years later. आफ्टर सहरी अब है दोपहर का टाइम, तकरीबन ऑलमोस्ट 3-4 कुछ जब हम उठ चुके हैं। और यहाँ पे मैं सारी कटिंग शटिंग कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे मेरा था लाइव कुकिंग प्रोग्राम, वो आप मेरे पेजेस पे देख सकते हैं। मैं शेयर करती हूँ रेसिपीज़ यहाँ भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन ये बैक स्टेज आपको थोड़ा सा दिखा रही थी कि इस तरह से शूट हो रहा है। थोड़ी सी आपकी बहन सेलिब्रिटी बन गई है, तो वो ना फील आ रही है। अब यहाँ पे कुछ जो रेसिपी बन रही है वो आपको मिल चुकी है, दोबारा मिल जाएगी अच्छा खासा। इतनी तो मेहनत मैंने कभी अपने लिए नहीं की होंगी जितनी मैंने यहाँ पे डबल मेहनत करी, और दो कैमरे में साथ शूट हो रहे थे। सारी क्रेडिट और मेहनत मेरी है। यहाँ पे लाइव जो है वो अनुषा ने संभाला हुआ था मेरा, और रिकॉर्ड जो है रेसिपी आप लोगों के लिए दुआ कर रही थी, तो हम सब मिलके लगे हुए थे, तो कीप सपोर्टिंग। और यार प्रोग्राम से फारिग हो गए तकरीबन मुझे 5 बज जाते हैं, और यहाँ पे हमारे नंगू पंगू मोहम्मद साहिल भी आ गया था। आई डोंट नो व्हाई कि क्या लुक दे रहा था। बहरहाल कुछ ऐसी हमारी डिश बन के रेडी हुई थी, खाने में बड़ी मज़े की लग रही थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसका फाइनल लुक ये था। यार 3 बजे से तैयारी करनी पड़ती है, 2 बजे तक मुझ मारहाने की आंखें खुलती हैं। 3 बजे से 4 बजे तक तैयारी करती हूँ, 4 से 5 प्रोग्राम करती हूँ, उसके बाद असर की नमाज़ के बाद ऐसे मैं सब चीज़ें छोड़ के किचन में काम कर रही होती हूँ कि बस ना मेरे हाल होते ना अहवाल। और अब आए में, और आजकल इतनी गर्मी है, शूट करने में बड़ा मसला होता है। अब समझ आया वो नंगू पंगू इतना तैयार होकर क्यों आया था। पहले प्रोग्राम में इसने शेफ सर मोहम्मद साहिल कलंदरी ने हमें ट्रायल देना था कि रेसिपी कैसी है। और रमज़ान में यार यही होता है, सहरी बनाओ खाओ, रो सो जाओ उठो, फिर इफ्तारी बनाओ खाओ, वापस सो जाओ वापस सहरी बनाओ, ऑलमोस्ट ऐसे रूटीन रिपीट हो रही होती है। और यहाँ पर जो मोहम्मद साहिल का भी फर्स्ट डे का शो था, वो भी आप साहिल के पेज पर या जहाँ पर हमारे प्रोग्राम है वहाँ पर जाके देख सकते हो। सारी अपडेट आपको हमारे फेसबुक पे मिलती रहेगी, तो वहाँ पे भी फॉलो कर लें। उसके बाद साहिल साहब की कुछ ये हालत थी। रोज़ा हमारा, मेहनत हमारी, थक ये साहब गए। बहरहाल फिर सब यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ रहे थे, और साहिल साहब हमारे को अच्छे से ताड़े, और फिर जूँ के तू हम किचन में धम धम लगे हुए थे, क्योंकि बहुत सारा काम था। मैंने आपको बताया ना, 5, 5:15, 5:30 तो ऐसे बचते कि पता नहीं चलता। उसके बाद इफ्तारी में रह कितना टाइम जाता है, और इतना सारा काम। और जब माशाल्लाह पहला रोज़ा होता है तो एहतमाम भी आपको करना होता है कि नहीं यार चलें, पहला पहला रोज़ा है आज, तो खूब रच के मेहनत करें। फिर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार का टाइम हो गया था। मालिक का बड़ा करम है, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि उसने हमारे दस्तरखान को सजाया, और जिनको कोई भी परेशानी, अल्लाह पाक इस रमज़ान मुबारक के सदके उसको दूर करे। सबके दस्तरखान पे अल्लाह पाक अपनी बेशुमार नेमतें और रहमतें यूं ही सजवाता रहे, और हम सबको शुक्र अदा करने की तौफीक दे। और यहाँ पे शेयरिंग इज केयरिंग भी चल रही है, और माशाल्लाह अच्छा खासा एहतमाम हो गया था। हाँ, ये कारिस्तानी अनुषा मैडम के थे, उन्होंने बर्तन ऐसे सजाए कि जैसे कोई इनको मैजिक शो सर्कस का अवार्ड मिलेगा। हाँ तो बन गए, अल्लाह हाफिज़। ये हमारी दोनों बहनें सो रही हैं। इससे आप दुआ की अच्छी या बुरी आदत कह सकते हैं, जब हम दोनों जुड़वा बहनें ऐसे सो रहे होते हैं, कुछ भी एक चीज़ ऐसे कहते हैं तो वो कैप्चर कर लेती है। बहरहाल यहाँ पे मम्मा पापा जाके भी आ गए, तो और हम आराम से जो है ना इतनी मेहनत करके थक गए थे, गधे घोड़े भी हिच के सो गए, और आई डोंट नो क्यों, लेकिन अगेन सेकेंड इफ्तार आ गई और हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि पहले रोजे में हम बहुत थक गए थे, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। और उसके बाद हम पर हुआ ये जुल्म, ये सुबह के 4 बजे कुछ सेकेंड दिन को हमने रिकॉर्ड नहीं किया था,
शहरी के बाद 4-5 बजे ये हाल है, हमारा फ्रिज मर गया, इंतकाल कर गया था, अब तो अल्लाह पाक ने उसको ज़िंदगी दे दी। लेकिन आज पड़ोस वालों के घर में सुबह 4 बजे हमने सामान रखवाया है, वो तो सबकी मेहरबानी पड़ोसियों की, उन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। और इसी के साथ व्लॉग को करते हैं।